चालाक बंदर और तालाब। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था, जहाँ जंगल के सभी जानवर पानी पिया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। वो सभी बंदर अक्सर उस तालाब के पास पानी पिया करते थे और वहीं पास के पेड़ पर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक काला तेंदुआ आ गया और उसने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया। आज के बाद अगर जंगल में कोई भी जानवर मेरी इजाजत के बिना इस तालाब पर पानी पीने आया तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब सभी जानवर तालाब में पानी पीने से डरने लगे, पर वो तेंदुआ आराम से वहीं रहने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। इस जंगल में केवल उसी तालाब में पानी था, लेकिन तेंदुए के डर से वहाँ कोई भी जानवर नहीं था। एक दिन सभी जानवरों ने सोचा, ऐसा कब तक यहाँ चलता रहेगा? इस तरह तो हम मर जाएंगे। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए साथियों। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो साथियों, हमें इस जंगल में अब और नहीं रहना चाहिए। सभी जानवरों ने फैसला कर लिया कि वो जंगल छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बंदरों का एक झुंड था। ऐसे कैसे तेंदुआ हमें पानी नहीं पीने देगा? ये जंगल हमारा भी है, हम इसे क्यों छोड़ें? हम इस तेंदुए से विनती करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बंदरों का झुंड तेंदुए के पास गया और उन्होंने उससे विनती की, लेकिन तेंदुआ बिल्कुल नहीं माना। ये तेंदुआ जंगल के बाकी जानवरों को परेशान कर सकता है, लेकिन हम बंदरों को नहीं। हमने विनती की लेकिन ये नहीं मानता। जाओ, तुम लोग सब पुरानी लंबी लंबी पतली बांस ले आओ और उन्हें ठूक करके उनके अंदर गांठ निकाल दो। बंदरों ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब सारे बांस पतले पाइप जैसे निकल गए थे। अब जब भी उन बंदरों को पानी पीना होता, वो पेड़ पर बैठकर झुंड बना लेते। जैसे ही तेंदुआ एक तरफ के बंदरों को रोकता, दूसरी तरफ से बंदर पानी पी जाते और इस तरह से अब वो सब लगातार पानी पीने लगे। इसी तरह कुछ दिनों तक चलता रहा और इस तरह बंदरों की टोली ने तेंदुए को खूब नचाया। इन बंदरों ने तो परेशान कर दिया है। लगता है इस जंगल में अब मेरा डर खत्म हो चुका है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसी तरह तेंदुए को अच्छा सबक मिला और वो हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला गया। रामदीन एक ग्वाला था। उसके पास सारी भैंसे थी। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे दुखी राम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो। कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहाँ से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भाग कर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहाँ गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए। वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है। कैसे आदमी हो तुम कमलू, उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसे खरीदी और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया, कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई,
रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ, मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया, और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया। जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। गर्भवती बंदरिया। श्यामपुर नाम के एक गांव में शंभू नाम का एक भिखारी रहता था। उसके पास एक पुरानी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के लोग भी कोई नहीं थे। वो अकेला उधर रहता था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक बाजार में चल रहा था। उसको बहुत जोर सी भूख लगी थी, तो उसने एक होटल में जाकर कुछ खाने के लिए पूछा। तभी उस होटल के मालिक ऐसा बोला, दिखने के लिए तुम ठीक ठाक लग रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? हर रोज ऐसा भीख मांगते मांगते शर्म नहीं आती क्या? चलो चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते ही शंभू उधर से निकल गया। थोड़े दूर चलते ही उसको एक बंदरिया दिखाई दी। बंदर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और दिखने के लिए बहुत कमजोर थी। वो बंदरिया शंभू को देखकर कुछ खाने के लिए पूछा, मेरी नाम सीता है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना भैया, मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी पेट में छोटी बच्ची के लिए मांग रहा हूँ, मैं गर्भवती भी हूँ ना, मुझे बहुत भूख लग रहा है भैया, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे ओ बंदर, मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शंभू और बंदर को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखकर एक आदमी आकर कुछ पैसे उनके पास डालता है। तभी शंभू के मन में एक विचार आता है, सीता देखा, लोग हमें देखकर पैसा दे रहे हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर बंदर की नाच और नौटंकी करें। ऐसा सोचते ही दोनों मिलकर अगले ही दिन से गांव के चौरस्ते पर नाच और नौटंकी का प्रदर्शन शुरू किया। रोज ऐसा ही चलता रहा, बहुत सारे लोग आकर नाच देखते थे। वो दोनों ऐसा करके बहुत सारे पैसे कमाने लगे। तब से सीता और शंभू जो चाहे खाने लगे। सीता अच्छे अच्छे फल खाने लगा, वो बहुत खुश थी। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जब नाच चल रहा था, सीता नाचते नाचते गलती से एक गड्ढे में गिर गई। गिरते ही उसके पेट पर बहुत बड़ी चोट लगी। सीता दर्द से तड़पने लगी। अरे सीता, तुमको क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम घबराओ मत। अरे शंभू, लगता है मेरे पेट पर बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर सीता ने एक सुंदर सी छोटी सी बंदर को जन्म दी। सीता उसकी बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसका दर्द सह नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में बंदर के बच्ची को चूमकर आखिरी सांस भी छोड़ दी। तब से शंभू उस बंदर के बच्ची को देखभाल किया और बड़ा किया, उससे बहुत प्यार करने लगा। कभी कभी सीता याद आते ही उस बच्ची को गले लगाता था। एक गांव में किशोर और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे। किशोर उस गांव में शहद का व्यापार करता था। वो हर रोज पास में जंगल जाकर शहद निकालकर गांव में बेचता था। थोड़े दिन के बाद शारदा गर्भवती हो गई। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब किशोर शहद के लिए जंगल गया, तभी उसको एक हाथनी की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये क्या है, ये हाथी की चीखने की आवाज कैसे, चलो चलकर देखता हूँ। तभी उसने
थोड़े दूर जाकर देखा तो एक गर्भवती हाथनी नीचे गिरकर रो रही थी। उसके दोनों पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो हाथी किशोर को देखकर पूरी बात बताई। मुझ पर दया दिखाओ, मुझे बचाओ। मैं एक शिकारी की बिछाए हुए जाल में फंसकर एक गड्ढे में गिर गया। उसकी वजह से मेरे दोनों पैर घायल हो गए। मैं अभी गर्भवती भी हूँ और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। किशोर ने हाथनी के ऊपर तरस खाया और उसकी पूरी तरह इलाज की। उसके दोनों पैरों को दवा लगाकर बैंडेज भी लगाया। उसको खाने के लिए किशोर के लाया हुआ खाना भी उसे दे दिया। अगले दिन जब किशोर आकर देखा तो वो हाथी की तबीयत और बुरा हो गया। वो अभी भी उठ नहीं पा रही थी। तभी उस हाथनी ने बोला, उस शिकार की वजह से मैं और मेरे पेट में बच्ची बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए अभी तक बहुत कुछ किया है। मैं आपसे और मदद नहीं मांग सकता। मेरे बच्ची अभी भी मेरे पेट में ही है। मुझे मालूम नहीं कि वो सही सलामत रहेगी कि नहीं। मुझे आपसे विनती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्ची का ख्याल रखना। मैं तुम्हें अभी मेरे साथ लेकर जाऊंगा, तुम घबराओ मत। ऐसा बोलकर किशोर ने उस हाथी को एक बड़े से रिक्शा में डालकर घर ले आया। शारदा ने उसकी बहुत सेवा की, क्योंकि शारदा भी गर्भवती थी, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखा। अगले ही दिन देखते देखते उस हाथनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और रोते हुए आंखों से किशोर और शारदा को धन्यवाद बोला। किशोर उसको वचन देता है कि उसकी बच्ची को संभाल कर देखूंगा। हाथनी ने उसकी छोटे से बच्चे को चूमते ही उसने आखिरी सांस भी छोड़ दी। तब से वो बच्ची किशोर के साथ ही रहने लगा।